तो इस वीडियो में ये बात करें हैं कि टेक जॉब्स कैसे ले सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि रिमोट जॉब्स कैसे ले सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईटी या सॉफ्टवेयर में नए हैं और करियर बनाना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी पर्सनल स्टोरी जाननी है कि मैंने अपनी पहली टेक जॉब कैसे ली, तो ये वीडियो मैंने लिंक की हुई है, उसे ज़रूर देख लें। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो कुछ बेनिफिट बता देता हूँ कि टेक जॉब्स के कनाडा में क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली तो ये बात है कि कनाडा में टेक जॉब्स बहुत ही हाई डिमांड में हैं और बहुत ही अच्छी सैलरीज भी देते हैं। और अगर आप पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हो तो स्टेम कैटेगरी में आपकी फाइल लग सकती है, बिकॉज जो टेक जॉब्स हैं वो स्टेम कैटेगरी के अंडर भी कुछ आती हैं, खास करके सॉफ्टवेयर डेवलपर काइंड ऑफ जॉब्स। करियर ग्रोथ और प्रोग्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है कि 2 से 3 साल अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो बहुत ही ईजिली आपकी जो सैलरी है वो $100,000 तक जा सकती है। और आप वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्ट कर सकते हो टेक जॉब्स के साथ, कि जरूरी नहीं आपको फील्ड पे जाके काम करना पड़े, तो कोई डिपेंडेंट नहीं है लोकेशन के ऊपर और आप कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन अक्सर एक प्रॉब्लम आती है लोगों को जब वो कनाडा में टेक जॉब्स ढूंढने लगते हैं, कि वो अप्लाई कर रहे होते हैं टेक जॉब्स को और उनको इंटरव्यूज नहीं आ रहे होते हैं, या उनको ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर कुछ लोग नए होते हैं कनाडा में जॉब प्रोसेस के लिए तो उनको पता नहीं होता कि कनाडा में जॉब प्रोसेस कैसे काम करता है। तो इस सब के बारे में आपको अब बताता हूँ कि होता ये है कि यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है एम्प्लॉयर को कि आप जॉब के लिए गुड फिट हो। लेकिन अब प्रूव कैसे करें क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है, और एक्सपीरियंस कैसे लाएं क्योंकि जॉब ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए और जॉब के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो प्रूव कैसे करें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। अपने पैसे बिल्कुल मत वेस्ट करना आईटी कोर्सेज या आईटी सर्टिफिकेशंस लेने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो आईटी कोर्सेज लेने बैठ जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखने बैठ जाते हैं कोर्सेज, और उस पर पैसे वेस्ट कर देते हैं। ये प्लीज़ बिल्कुल मत करना। और एक और बात है कि कोर्सेज में ना जो आप ऑनलाइन लेते हो उसमें वो एक ही चीज़ सिखाते हैं, लाइक एक लैंग्वेज सिखा दी या कोई एक आर्किटेक्चर सिखा दिया, लेकिन जो आईटी की जॉब्स होती हैं ना वो एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो इसके लिए बेस्ट वे आपका ये है कि आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ और उन्हें अपलोड करो अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो पे। अब ये काम कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सनल प्रोजेक्ट्स की जॉब लेने में जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाएं और पर्सनल प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाएं। आपको अगर जॉब अच्छी लेनी है तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर देखना चाहता है कि आपका ऑनलाइन फुटप्रिंट क्या है। वो आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको ऑनलाइन सर्च करके देखते हैं अभी क्या आपका फुटप्रिंट आ रहा है, और देखते हैं कि आपने क्या क्या ऑनलाइन अपने बारे में डाल रखा है। आपका एक प्रोफेशनल साइट भी होनी चाहिए ऑनलाइन, जहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स या फिर अपने प्रोजेक्ट्स डालो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है तो। तो एम्प्लॉयर कैसे डिसाइड करेगा कि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है जबकि आपने पहले कोई जॉब नहीं की हुई है, सर्टिफिकेट से नहीं, कोर्सेज से नहीं, बल्कि आपने ऑनलाइन अपने कौन से प्रोजेक्ट्स डाले हैं या आपने अपने रेज्यूमे में कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं। तो जॉब लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स कौन सी फील्ड में बनाने स्टार्ट करने हैं। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है जिसका नाम है roadmap.sh। ये ऑनलाइन रिसोर्स पे आप ये देख सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है आगे टेक में, क्योंकि अगर आपने इस फील्ड में जाना है आपको एक स्पेसिफिक सब फील्ड पॉइंट आउट करनी पड़ेगी जिसमें आप ये देख सको कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। सो ये रिसोर्स काफ़ी अच्छा है इसके लिए। और भी वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में कि कैसे डिसाइड करें आईटी में कौन सी फील्ड में जाना है, लेकिन अभी के लिए आप ये रिसोर्स के साथ डिसाइड कर सकते हो कि आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड बैक एंड में जाना है, या फिर QA में जाना है, या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना है। सो ये सब आप इस रिसोर्स पर ज़रूर देखें। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट्स हम बनाएं कैसे। अगर तो आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है अब प्रोजेक्ट्स पे काम करना। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि एक हैकाथॉन्स नाम की चीज़ होती है। अब ये हैकाथॉन क्या होता है यार? हैकाथॉन ना एक ऐसा इवेंट होता है जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, खास करके कोडिंग वाले और जिनको आईटी फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो ओवर द वीकेंड तरह का एक इवेंट होता है जिसमें आप फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे मॉर्निंग में जाते हो और एक रात या 2 रात आप वहीं यूनिवर्सिटी में भी सो सकते हो, ऑप्शनल है, बट आप वापस घर भी आ सकते हो अगर पास में रहते हो। लेकिन वो इवेंट 2 दिन या 3 दिन तक रेगुलरली चलता है और संडे शाम को वो ख़त्म होता है मोस्टली। और इसमें क्या होता है, आपको अपनी टीम ढूंढनी होती है, एक टीम ढूंढ के आपको प्रोजेक्ट पर काम करना होता है और फिर आपको उसकी पिच देनी होती है
कि ये प्रोजेक्ट में हमने ये बनाया और फिर उसके बेस पे आपको प्राइजेस भी मिलते हैं. बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं. और मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, उसमें एक हैकाथन होती है, उसका नाम है हैक द नॉर्थ. सर्च जरूर करके देखना, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और कनाडा में सबसे बड़ी हैकाथन है और बहुत ही फेमस भी है. और इन हैकाथॉन्स में ना आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस, एक मौका मिल जाता है एक आईटी के एक एनवायरनमेंट में काम करने का. क्योंकि आप टीम में काम कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता. बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनको एक भी जीरो नॉलेज होती है कोडिंग की, फिर भी वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो जितना 3 दिन में सीखते हैं ना, उतना कुछ लोग 4-4 महीनों के कोर्स लेके भी नहीं सीख पाते, क्योंकि वो हैंड्स ऑन लर्निंग होती है और बहुत ही इंटेंसिव टाइम होता है. सो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाले हैं, जैसे mls.io बहुत ही अच्छा रिसोर्स है हैकाथॉन्स पे जाने के लिए. आप जरूर हैकाथॉन्स के बारे में रिसर्च करना. और अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज, आपने अगर आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो जितनी हैकाथॉन्स हो सकती है ना, उतनी हैकाथॉन्स में जाओ. एज एन अंडरग्रेड या फिर कॉलेज स्टूडेंट, यही टाइम है आपका हैकाथॉन्स में जाने का, क्योंकि यहाँ पे जो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो बहुत ही कम लोग आते हैं और कई बार नहीं एक्सेप्ट होते. आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है पहले एक्सेप्ट होने के लिए. और हैकाथॉन्स बहुत ही पॉजिटिव होते हैं उन लोगों को लेकर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनको ज़्यादा एंथुजियाज्म से एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा, ये बात तो होगी हैकाथॉन्स की. अगर आप स्टूडेंट नहीं हो फिर क्या करो? फिर उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाले हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हो. मैंने कुछ गिटहब्स के लिंक्स डाले हैं, तो आप खुद से सेल्फ टेक ऑन करो प्रोजेक्ट्स को, उन्हें बनाओ, ऑनलाइन डालो और दिखाओ एम्प्लॉयर्स को कि मैं इस काबिल हूँ. दूसरी बात यह है कि छुप के ना बैठो ऑनलाइन, डोंट हाइड ऑनलाइन. अपने प्रोजेक्ट्स बना के ना उन्हें अपलोड करते रहो, चाहे लिंक्डइन पर डालो, बहुत पूरी दुनिया को बताओ कि मैंने ये बनाया और मैंने उससे क्या क्या सीखा. वर्डप्रेस पे जाओ, मीडियम पे जाओ और एक ब्लॉग लिखो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखा. इससे क्या होगा, एक तो पहले रीइन्फोर्समेंट होगी, आपने जो सीखा आपको अच्छा याद रहेगा. दूसरा इससे ये होगा कि एम्प्लॉयर्स को पता चलेगा कि आपको एक्चुअली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है. अच्छा, अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम टेक जॉब लेने में यहाँ पे कनाडा में, कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. अच्छा, पहले ना मेरा रेज्यूमे बहुत ही वीक हुआ करता था. उसके बाद काफ़ी रिसर्च करने के बाद, इतने सारे लोगों से यूनिवर्सिटी में हेल्प सीक आउट करने के बाद, मैंने अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट किया. और ये मैंने रियलाइज़ किया कि रेज्यूमे को अच्छा बनाने में 3 key parts होते हैं. सबसे पहले तो है ATS ऑप्टिमाइजेशन. अच्छा, ये ATS क्या होता है? ATS का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. इसका मतलब ये है कि आप अपना जहाँ पे रेज्यूमे भेज रहे हो वो ऑनलाइन सिस्टम्स, AI सिस्टम या रोबोट सिस्टम्स आपके रेज्यूमे को कितनी अच्छी तरह रीड कर सकते हैं. क्योंकि अगर वो अच्छी तरह उन्हें रीड कर सकेंगे तो वो आगे प्रोसेस भी कर सकेंगे और रिक्रूटर को आपकी एप्लीकेशन भी दिखा पाएंगे. सो जो आपका रेज्यूमे होना चाहिए वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए. और इसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं कि रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली कैसे बनाएं. और रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग आप सिंपल ही रखें. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग होती है, जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो फॉर्मेट्स दे देते हैं, वो बिल्कुल भी ATS फ्रेंडली नहीं होते टेम्पलेट्स. जो नेक्स्ट पॉइंट है रेज्यूमे अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेटेड एप्लीकेशंस. अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स होने चाहिए जिस फील्ड में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो. इससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो कीवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स जल्दी पिकअप करेंगे. सो आप एक जॉब की पर्टिकुलर फील्ड लो, जैसे उसको शॉर्टलिस्ट कर लो कि मैंने ये तरह की जॉब अप्लाई करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो जूनियर डेवलपर या जूनियर पोजीशन या इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप पोजीशंस काफ़ी अच्छे कुछ जॉब टाइटल्स हैं जिन पर आप टारगेट कर सकते हो. और इनमें आप ऐसे कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस का नाम लें कि जावास्क्रिप्ट, या आपने क्या क्या यूज़ किया, C++, या कुछ भी जो भी आपने सीखा है उनके कीवर्ड्स आप अपनी प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करो. उससे आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं जॉब लेने में. और फाइनली थर्ड कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका रेज्यूमे है वो अपीलिंग फॉर ह्यूमन होना चाहिए. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ. एक ना फिनोमिना होता है जिसका नाम होता है कॉग्निटिव ईज. इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके दिमाग पे जो चीज़ें कम लोड डालती हैं उन चीज़ों को आप पॉजिटिवली ग्रास्प करते हो, उनके प्रति आप पॉजिटिव रहते हो. तो अगर आपका रेज्यूमे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा दिखने में, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए होंगे या देखने में मुश्किल होगा एम्प्लॉयर को, जिसमें छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, उससे उनकी कॉग्निटिव ईज कम हो जाएगी और आपके इंटरव्यू आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे. सो आपको चाहिए कि अपना रेज्यूमे सिंपल रखो, एक्शन वर्ड्स यूज करो. और एक्शन वर्ड्स कहाँ से यूज करने हैं उसके लिए भी फ्री लिंक्स लगाए हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में. रेज्यूमे का डिजाइन सिंपल रखो ताकि अगर कोई इंसान रेज्यूमे को देखे तो उसे ज्यादा जोर ना डालना पड़े दिमाग पर. और रेज्यूमे के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, तो वो मैं जरूर बना के डालूंगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहना.
अच्छा, और अब जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है नेटवर्किंग। और मैं आपको बता नहीं सकता नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस कनाडा में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको जॉब लेनी है तो नेटवर्किंग के बिना आपका चलना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा यार, ये नेटवर्किंग होती क्या है? नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हो, किसी मीटिंग पे जाते हो, तो आपको हर बंदे से ज़रूर पूछना चाहिए कि यार तुम्हारा लिंक्डइन क्या है, मैं तुम्हें लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये होती है नेटवर्किंग। आप पॉजिटिव रहो लोगों के साथ और लोगों को इंट्रोड्यूस करो, लोगों के पास खुद जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कहो कि हाय, आई एम दिस, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन। इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क एक्सपैंड करेगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप जानो होंगे उतने ज्यादा ही लोग आपके काम आएंगे आगे जॉब सर्च में। ये जो जॉब का सर्कल है ये एक कम्युनिटी है। कई बार क्या होता है, हम ना डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं क्या कहूंगा, लोग क्या कहेंगे, यार उनको तो बहुत मैसेज आते होंगे कि जॉब मांगने के लिए। नहीं भाई, आप सोचो अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसके पास क्या है खोने को। अपने नेटवर्क को, खास करके लिंक्डइन पे रीच आउट करो और उनसे कहो कि यार क्या आप मुझे रेफर कर सकते हो। आप बिल्कुल भी इसमें शर्माओ मत, क्योंकि हर कोई ऐसे करता है। आप अगर मैसेज करोगे तो चांसेस हैं शायद 0.0001% कि आपको वो कोई रेफरल दे दे या कोई जॉब ही दे दे सीधा। लेकिन अगर नहीं करोगे तो पता है कितने चांसेस हैं, 0%। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोल्ड ईमेल्स। भाई कोल्ड ईमेल्स ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग अक्सर कोल्ड ईमेल्स की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोल्ड ईमेल करने से आपके जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। और मैंने कुछ टूल्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल scrap.io अगर आप डेवलपर हो, या फिर getemail.io। ये एक्सटेंशन अगर आप लिंक्डइन पर इंस्टॉल करते हो ऐसी वाली, तो क्या होता है, आप अगर आप किसी पर्सन की प्रोफाइल पर हो, आप बटन दबाओगे और उसकी ईमेल आपको मिल जाएगी। और इस ईमेल पर आप एक ईमेल लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि आप कौन हो और आप एक जॉब ढूंढ रहे हो और आपको एक चांस चाहिए जिसमें आप उनसे बात कर सको। मैं आपको एक ईमेल का फॉर्मेट भी दे देता हूं। तो आप ईमेल ऐसे शुरू कर सकते हो, सबसे पहले बताओ कि आई एम दिस एंड दिस, उसके बाद कहो कि हाउ आई फाउंड यू, बताओ उनको कि आई फाउंड यू थ्रू दिस एंड दिस, लाइक लिंक्डइन आई वाज लुकिंग। उनको बताओ कि आई वांटेड टू रीच आउट टू यू बिकॉज, बताओ अपना रीजन, बताओ कि मैंने सोचा कि मैं कंपनी देख रहा था। छोटा रखो, शॉर्ट एंड सिंपल। और थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में आप ये बताओ कि I am doing this and this and these are the three things I bring to the table. Three bullet points दो कि आपके क्या strengths हैं जो आप table पे ला रहे हो उनके लिए, company के लिए। और उसके बाद सीधा ask करो, just ask. I'm just asking for a minute to talk and explore if I can be a good fit for the company. या फिर उनसे सिर्फ time मांगो कि यार क्या हम एक meeting schedule कर सकते हैं जिसके बारे में आपको और बताऊँ अपने बारे में। ये मत बोलो कि मैं job ढूंढ रहा हूँ या मुझे job चाहिए, नहीं, बस बोलो कि यार मुझे तुमसे मिलना है, एक बार मिल लो, आपकी meeting हो जाए, फिर हम आप देखते रहोगे। मेन आपका ये इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको इंटरव्यू लानी है। एक बार इंटरव्यू आ जाए फिर आप प्रूव कर सकते हो कि यार देखो मैं एंथुजियास्टिक हूँ जॉब के लिए। और एक और बात है, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि अगर आप अपनी स्कूल की आईडी से ईमेल्स भेजोगे इंप्लॉयर्स और रिक्रूटर्स को, तो वो स्पैम में जाने में बहुत ही लेस लाइकली होता है, क्योंकि स्कूल की आईडीज की जो डोमेन होती है वो स्पैम वाला जो फिल्टर होता है कई बार रिजेक्ट नहीं करता है। सो अपने जीमेल अकाउंट से भेजने की बजाय अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर अपने स्कूल आईडी से भेजो। बाकी अगर बड़ी कंपनीज को आप भेज रहे हो तो मोस्टली वो ऐसी ईमेल्स फिल्टर आउट कर देते हैं। तो अपनी ईमेल्स भेजने में थोड़े टैक्टिकल रहना और लिंक्डइन को ज़रूर यूज़ करना अपनी जॉब सर्च में, और लोगों को कोल्ड ईमेल्स भेजने में बिल्कुल भी मत शर्माना। और ये ईमेल्स आप बहुत लोगों को भेजो, आप 500 लोगों को भेजो, और इनमें से अगर आपको 5 रिप्लाइज भी आ जाते हैं ना, तो भी बहुत ही अच्छा चांस है आपको एक जॉब मिलने का। और मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जो मेरी पहली जॉब मिली थी टेक वाली, एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब, वो इसी मेथड से मिली थी जिसमें मैंने 600 लोगों को कोल्ड ईमेल्स भेजी थी रिक्रूटर्स को। खैर, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, मैं आपको और बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में।